केंद्रों से ज्यादा चना मसूर की खरीदी केंद्रों पर किसानों को दिक्कत आ रही है। मैसेज की तत्काल बाद उपज नहीं ले जाने पर तुलाई नहीं होती। खरीदी केंद्रों पर अभी भी अव्यवस्थाएं ज्यादा है, लिहाजा किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत चना मसूर की खरीदी वाले केंद्रों पर हो रही है। किसानों का कहना है कि रात को मैसेज आता है और सुबह लेकर नहीं पहुंच पाए तो फिर तुलाई नहीं हो पाती, जिससे परेशानी आती है। किसानों ने कहा कि मैसेज भले ही बात के हों, लेकिन एक सप्ताह पहले भेजना चाहिए ताकि किसान निर्धारित तारीख को खरीदी केंद्र पर साधन जुटा कर उपज ले जा सकें। सही तो कह रहा है। आप समर्थन मूल्य जो खरीदी केंद्र है उस पर क्या है? मैं यहाँ पे चेंज करूँगा छोड़ा हिसाब में क्या सर, टोटल लेखा जोखा मैं करता हूँ। लेखा जोखा करते यहाँ पे। और किसानों के नंबर कितने दिन में आ रहे हैं? किसान का ऐसा रजिस्ट्रेशन के हिसाब से रहेगा, जैसा 15 भी जाते हैं, किसी में 10 भी जाते हैं। एक दिन में अमूमन कितने किसान की फसल बिक जाती है? एक दिन में किसान की फसल बिक जाती है 20 किसान, 20 हजार, 20 किसान की फसल आराम से। क्या नाम है आपका? लखन राय। कौन से गांव से आए? मुंडरा। कब आए थे आप फसल बेचने? सुबह सुबह। ये फसल आपने जमीन पे क्यों फैला के रखी है? ये नमी बता रहे हैं, वो सैंपल वाले साहब कह रहे हैं नमी है इनमें और छन्ना लगाओ। अच्छा, छन्ना लगवा के फसल खरीद रहे हैं? छन्ना लगा के फसल खरीद रहे हैं। इधर छन्ना लगता है तो आपका कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है, कम से कम 1 क्विंटल में कम से कम 4-5 किलो दाने निकल जाए। परेशानी हो रही मैसेज में? मैसेज में ये परेशानी है, कल हमको शादी में जाना था, कल ही मैसेज आ गया।